चैनल पद्मा वे ऑफ लाइफ। तो फ्रेंड्स, आज का जो ब्लॉग है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं आज आपको अमेज़ॉन का साड़ी हॉल दिखाने वाली हूँ, वो भी सिर्फ 500 के अंदर। तो टाइटल देख के आपको पता ही चल गया होगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखें, क्योंकि ये साड़ी का जो लुक है ये मैं वीडियो के एंड में पोस्ट करने वाली हूँ। तो गाइज, मैंने साड़ी के कुछ कलेक्शंस, मतलब अमेज़ॉन से मैंने कुछ साड़ी शॉपिंग किया है, परचेज़ किया है अमेज़ॉन से, कुछ कलेक्शन है साड़ी के। और इसमें है सैटिन के साड़ीज़, जॉर्जेट के साड़ीज़, शिफॉन के साड़ीज़, सिल्क साड़ी, सब कुछ मिक्स है इसमें। तो मैं आप लोगों को बताने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ ये सारे मेरे साड़ी के कलेक्शंस आपको शो करने के लिए। और एक बात, तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, एक्चुअली ये कुछ 5 से 6 साड़ीज़ के, एक सेकंड गाइस, ये सारे मेरे साड़ी के कलेक्शंस हैं। और ये जो ब्लू कलर आपको दिख रहा है ना, एक्चुअली ये साड़ी ऑर्गेनाइज करने के लिए, ये भी मैंने अमेज़ॉन नहीं, ये मैंने मेशो से ख़रीदा है। तो इसका जो लिंक है ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो मेरे साड़ीज़ में अभी एक एक करके आपको बताना स्टार्ट करती हूँ। तो ये है फर्स्ट सैटिन के साड़ी, ये भी अमेज़ॉन से लिया है, ये भी बिलो 500 के हैं। और इसके बारे में बात करूँ तो ये जो साड़ी है, एक्चुअली ये एक कम्प्लीटली ट्रेडिशनल वेयर है, इसे ट्रेडिशनल लुक के लिए साड़ी पहना जा सकता है। ये गोल्डन कलर है और इसके साथ एक मैचिंग ब्लाउज भी दिया है इन्होंने, तो मैंने यही ब्लाउज स्टिच किया है इसके साथ। तो इसके साथ मैचिंग विथ कॉन्ट्रास्ट में गोल्ड एंड ब्लैक के साथ मिक्स है ये। इसका भी डिज़ाइन आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जरी वर्क के साथ है इसमें थोड़ा। और ये साड़ी जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा शाइनी साड़ी है, तो ये पार्टी वेयर के लिए, नाइट वेयर के लिए आप लोग इसे प्रेफर कर सकते हैं। और ये काफ़ी ट्रेडिशनल लुक में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और साड़ी जो है बहुत ही लाइट वेट है, बिल्कुल भी हैवी नहीं है, सैटिन का साड़ी है। और ये पहनने के बाद बहुत अच्छा ग्रैंड लुक देता है, बहुत रॉयल लुक देता है। तो इसका भी मैं लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आपको अच्छा लगता है तो ये चेक कर सकते हैं। तो कमिंग नेक्स्ट, तो गाइज़ ये सेकेंड साड़ी है, ये भी सेम जैसे गोल्डन देखा था आपने वही सेम है। इसका कलर थोड़ा वेरिएशन में है, ये बेबी पिंक कलर है। और ये भी साड़ी एक्चुअली आप पार्टी वेयर के लिए पहन सकते हैं या कोई फेस्टिवल लुक के लिए पहन सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखता है और काफ़ी ज़्यादा शाइनी साड़ी है ये। और इसको आप ऑक्साइड ज्वेलरी जो है उसके साथ टीम अप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लुक देता है। और ये जो साड़ी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा शाइनी है, बहुत सैटिन का साड़ी है ये और बहुत ईजी टू वेयर है और बहुत मैनेजेबल भी है। तो अगर आप कोई पार्टी में जाना चाहते हो, कोई ओकेशन फेस्टिवल के लिए पहनना चाहते हो, तो ये दिस काइंड ऑफ साड़ी बहुत परफेक्ट रहेगा। और ये भी साड़ी का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देती हूँ, आप वहाँ से ये भी चेक कर सकते हैं। ये कोई भी आप सिल्वर या ब्लैक ब्लाउज़ के साथ इसको मैच करके पहनते हैं तो रियली बहुत अच्छा लुक देता है ये। इसका कलर ही जो है ना बेबी पिंक कलर है, बहुत ही लाइट एंड न्यूट्रल कलर है। तो गाइस, नेक्स्ट जो साड़ी है ये कॉटन का साड़ी है एक्चुअली, और ये काफ़ी ज़्यादा प्यारा कलर है, मतलब इसका जो कलर आप देख सकते हैं, मैं इसको कवर से रिमूव करके दिखाती हूँ। इसका बेस जो है ये एक रॉयल ब्लू कलर है और इसके ऊपर जो वर्क है यहाँ पे नेवी ब्लू देख सकते हैं आप, लाइट ग्रीन देख सकते हैं और लाइट ब्राउनिश देख सकते हैं, मतलब ये एक फ्लोरल प्रिंट है ये एक्चुअली। पहनने के बाद और इसका फ़ोटोशूट जो है मैंने आउटडोर में किया है। ये साड़ी पहनने के बाद है ना, इसको मतलब सिंपली आप कोई भी नॉर्मली कोई भी ज्वेलरी के साथ इसको पहन ले सकते हो, कोई भी ईयरिंग्स के साथ मैचअप करते हो, बहुत अच्छा देता है। इसका लुक जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, आप देख सकते हैं, ये मैं बस ऐसे लगा के दिखा रही हूँ। ये फ़ोटोज़ के लिए ये साड़ी में भी दिखने में बहुत नॉर्मल लग सकता है, लेकिन अगर आपको फ़ोटोशूट के लिए कोई साड़ी पहनना है तो बिल्कुल आप ये प्रेफर कर सकते हैं। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और दूसरी बात ये है कि ये जो भी साड़ीज़ के मैं फ़ोटो या मतलब साड़ीज़ का कलेक्शन दिखा रही हूँ, इसका सब फ़ोटोज़ मैं लास्ट में मैंशन करूँगी, आप ज़रूर देखना। इसको पहनने के बाद ऐसे लगता भी नहीं कुछ वेट है, मतलब बहुत लाइट वेट फील होता है, बहुत ईजी लगता है ये साड़ी पहनने के बाद, कुछ हैवी वाला फील नहीं देता है।
और काफ़ी इजी टू वेयर है एंड ये साड़ी काफ़ी मैनेजेबल है। नेक्स्ट साड़ी है ये वाला नेवी ब्लू, रॉयल ब्लू विथ गोल्डन एंड ऑरेंज कलर मिक्स है साड़ी में। ये साड़ी जो है एक्चुअली ये भी पार्टी वेयर साड़ी है। अगर आप कोई, जैसे मैंने नॉर्मली बताया था कि मेरे पास ऑलरेडी सब कुछ पार्टी वेयर कलेक्शन, या पार्टी वेयर भी पहन सकते हैं, डे वेयर के लिए भी पहन सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसको भी आप गोल्डन ज्वेलरी के साथ टीम अप करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, काफ़ी ज़्यादा रॉयल लुक देता है ये साड़ी। इसका फ़ोटो भी मैं लास्ट में शेयर करूँगी, आप लोग ज़रूर देखना, मिस मत करना इस साड़ी के फ़ोटो देखने के लिए। और इसको मैं ओपन करके दिखाती हूँ अभी। ये साड़ी का जो ब्लाउज़ है, मैंने मतलब इसमें जो अवेलेबल था ऑलरेडी उसी का ही स्टिच किया है। मैंने इसको फुल स्लीव स्टिच किया है बिकॉज़ फुल स्लीव्स के मतलब ये सारे बॉर्डर्स जो है साड़ी के, ये इसके अंदर आ जाते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रॉयल लुक देता है। आप लोग देख सकते हैं ये साड़ी कितना अच्छा लग रहा है देखने। इसका कलर कॉम्बिनेशन जो है, तीन कलर, ये ऑलवेज लाइक कोई पार्टी वेयर है, कोई ओकेशन है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा रहता है ये। मतलब एक्चुअली ये कैसे बोलते हैं इसको, बहुत ही ग्रैंड लुक देता है ये साड़ी। काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है ये साड़ी, मतलब जैसा पेपर काइंड ऑफ होता है उतना सॉफ्ट है ये, बिल्कुल भी ऐसे मतलब हैवी साड़ी पहना वाला फील बिल्कुल भी नहीं देता है, बहुत ही लाइट वेट लगता है बॉडी पे। आप देख सकते हैं ये जो ऑरेंज कलर है कितना कॉन्ट्रास्टिंग में है, गोल्डन विथ ऑरेंज एंड रॉयल ब्लू, रियली बहुत अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है ये। आपका स्किन टोन अगर डार्क भी है, आपका स्किन टोन फेयर भी है, तभी भी आपको ये साड़ी बहुत अच्छा दिखेगा। एंड रियली फ़ोटोशूट के लिए ये साड़ी बहुत ही अच्छा, मतलब एकदम रॉयल लुक देता है। तो गाइज नेक्स्ट साड़ी जो है ये शिफॉन का साड़ी है। ये भी लाइक बहुत ही लाइट वेट साड़ी है, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। एक्चुअली वो इस ये जो साड़ी है इसके साथ कुछ गोल्डन कलर का ब्लाउज पीस आया था, तो मैंने वो स्टिच नहीं किया। एक्चुअली मेरे पास ऑलरेडी ये था, ये भी मैंने अमेज़ॉन से लिया है, मैं इसका भी लिंक आपको शेयर कर देती हूँ। और एक्चुअली आप देख सकते हैं इसके ये जो ब्लाउज़ है इसमें भी पिंक है, मतलब लाइट ग्रीन है, मतलब कम्प्लीटली फ्लोरल कलर है। हाय हाय सुले, हाय। கேமரா பார்த்து பார்த்து சிரிக்கிறாண்டி. சரி நீ இப்போ போ, அப்புறமா வா. நீ இந்த உடனே तो गाइज ये जो साड़ी है आप इसका कलर देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा यूनिक कलर है, ग्रीनिश भी नहीं है ये, इसको टर्किश कलर बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा यूनिक कलर है। और इसके ऊपर जो है ना, इसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे बीड्स बने हुए हैं और वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। आप इसको सिल्वर ब्लाउज़ के साथ भी पहन सकते हैं, या फ्लोरल ब्लाउज़ के साथ भी पहन सकते हैं, या गोल्डन ब्लाउज़ है उसके साथ भी आप पहन सकते हैं। इसके बॉर्डर में, इस साड़ी का बॉर्डर आप देख सकते हैं, लाइट सिल्वर और गोल्डन मिक्स, और सैटिन का जो क्लॉथ है उससे इसका बॉर्डर बन चुका है, तो इसके उससे इसका बॉर्डर बना है, तो इसलिए आप इसको गोल्डन सिल्वर या कोई भी फ्लोरल प्रिंट के साथ आप इसको पहन सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये। इसका भी लुक जो है मैं लास्ट में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आप इसका कलर देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्यारा कलर है ये। तो गाइस लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये वाला साड़ी मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि ये रॉयल ब्लू कलर में है और ये भी पार्टी वेयर साड़ी है। और मैं आपको ये साड़ी ओपन करके दिखाती हूँ। देख सकते हैं रॉयल ब्लू कलर है, इसमें गोल्डन कलर के कुछ डिज़ाइंस बने हैं, स्पॉट्स बने हैं डॉट डॉट, और इसका लेस, इसका बॉर्डर जो है सिंपली एक ही लेस का है, मतलब एक जस्ट वन लाइन। तो इसको भी आप अगर सिर्फ गोल्डन ब्लाउज़ के साथ पहनना चाहते हैं तो भी पहन सकते हैं, या फिर आप ब्लू के साथ कॉम्बिनेशन करके पहनना चाहते हैं तो भी पहन सकते हैं। इसके साथ जो ब्लाउज़ पीस आया था मैंने उससे स्टिच नहीं किया, ऑलरेडी मेरे पास कुछ अवेलेबल था गोल्डन विथ रॉयल ब्लू, आप देख सकते हैं ये, तो मैंने इसी के साथ साड़ी पहना। इसका भी फ़ोटो मैं आपको लास्ट में शेयर करूँगी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक देता है ये साड़ी। और अगर आप ये साड़ी पहन के अगर आउटडोर फ़ोटो भी करते हो, या फिर घर पे भी आप फोटोशूट करते हो, तो भी इसका लुक जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा आने वाला है।
तो एक बात बताना चाहूंगी कि अगर आप ऐसे साड़ी मतलब पहनना चाहते हो, तो ये साड़ी जो है एक्चुअली स्लिम है, मतलब पतला है थोड़ा। तो इसके साथ आप जो नॉर्मल ब्लाउज जो पहनते हैं उसके अलावा आप बैक हुक वाला ब्लाउज प्रिफर कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, ये साड़ी को अगर आप वन साइड कैरी करना चाहते हैं तो वो वैसा भी आप कर सकते हैं, तो वो एक अच्छा लुक देता है। आप देख सकते हैं ये साड़ी के ऊपर कुछ डॉट डॉट से बना हुआ है, कुछ ग्लिटर लगा हुआ है, गोल्डन पैच, छोटे छोटे पैचेस है, तो इसकी वजह से ये साड़ी का लुक जो है बहुत ज़्यादा ग्रैंड लगता है। सो गाइस दैट्स इट, आज का जो वीडियो था इसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। मैंने अमेजोन से 500 के बिलो अंडर 500 जो भी साड़ीज़ मैंने खरीदे हैं, जो भी कलेक्शंस मेरे पास हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहती थी, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। इसका जो भी लिंक है गाइस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। आपको अगर कोई भी साड़ी पसंद आती है आप वहाँ से शॉप कर सकते हैं। तो गाइज़ आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो गाइज़ ईट वेल, स्टे गुड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, बाय। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर लेना, शेयर कर देना ना, एक मिनट। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ईट वेल स्टे गुड। सो गाइस ईट वेल स्टे गुड, हाय, ईट वेल स्टे गुड, सी इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय बाय। सोलुमा बाय, नी बाय सोल रहा है क्यों, ना वीडियो निर्त पड़ दिल्ले, பாய் சொல்லு பம்மி, பம்மி சொல்லு, பம்மி அம்மா சொல்லு, ஓ ஓ ஓ ஓ ஓ ஃபுல் மொட்டை வந்த போ, சேலெல்லாம் கராப் பண்ணு போ, ஆ गिरा दो सब, खराब कर दो, जब सब गिरा दो, कितना मेहनत से मैंने किया है, सब कुछ खराब कर दो, जब ये वो गिरा दो, स्टैंड भी गिरा दो, सब गिरा दो नीचे, ये क्या बना है, ऐसा नहीं बनाते। बहुत गंदा मजाक है।